अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगी, फलकनाज, इंडियन मुस्लिम हूँ। अब अगर हम बात करें इस मूवी की, हम दो हमारे 12, तो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है भी नहीं, क्योंकि अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि इंडिया के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि लड़का चाहिए, लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। और ये तो मेरे ख्याल में हर कम्युनिटी के अंदर है, एक ही चलती आ रही है रीत। तो अगर इसको मूवी को आप ये बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम्स को टारगेट करके ये मूवी बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एक्टर नहीं, ऐसा नहीं है। एक टॉपिक उठाया है, एक इमेजिनेशन है जिसके थ्रू आप तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि देखिए इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आज के दौर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप 3 बच्चे भी शायद बहुत मुश्किल से उनको हर तरह की सुविधा देके आप उनको पाल के बड़ा कर सके। हम लोगों का टाइम था, वो दौर चला गया है, वो दौर रहा ही नहीं है जहाँ पे बच्चे हो जाते थे और बहुत अच्छे से उनकी परवरिश होती थी। पालना तो मैं क्या बोलूँ, मतलब परवरिश होती है बच्चों की, पल तो बच्चे कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि उतने ही पैर फैलाएं जितनी चादर है। तो अगर आप कंट्रोल करेंगे बर्थ पे, जो आज जो ये टॉपिक है, अगर आप बर्थ पे कंट्रोल करेंगे तो आप बहुत एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं शायद अपने बच्चे को। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है बीइंग एन एक्टर। अगर मुझे ये मिली होती मूवी, मैं डेफिनेटली ऐसा कोई टॉपिक उठाती, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर शायद सीख देने के लिए, खुद भी सीखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और हम एक्टर्स हैं और हम आपको एंटरटेन करने के लिए हैं। मूवीज इसलिए बनती हैं ताकि आप एंटरटेन हो सकें और सीख सकें कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है आप हम दो हमारे 12 को उसी तरह से लीजिए, इसको किसी गलत रुख में ढाल के देश की जो शांति वो भंग ना करें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी नो ऑफेंस टू एनीवन, आई लव यू ऑल।